स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली एम्स अस्पताल में उपचार लेने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वस्थ होकर शिमला लौट आए हैं। शिमला अनाडेल पहुंचने पर उनका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली अस्पताल गए थे, जहां पर डॉक्टरों ने उनको रुकने की सलाह दी और जब तक सभी रिपोर्ट सही पाई गई है तो वह वापस प्रदेश में लौट आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने ऊना में हुई पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की घटना पर दुख जाहिर किया और कहा कि मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके बाद आगामी कार्यवाही की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने बजट सत्र को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देने के लिए सक्षम है और सरकार पूरी तैयारी के साथ सदन में जाएगी। दिल्ली रूटीन चेकअप के लिए गया था, लेकिन बीच में थोड़ा बुखार हो गया, वायरल जैसा हाई ग्रेड टेम्परेचर एक दो दिन के लिए। डॉक्टर ने कहा कि भी दो दिन रुकना चाहिए, तो हम रुके उनकी सलाह के मुताबिक और सारी इन्वेस्टिगेशंस जो डॉक्टर्स ने बताई वो की और सबकी दुरुस्त पाई गई है, ठीक पाई गई, और उसके बाद हम फिर वापस काम पे आ गए। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।